Hello everyone and welcome to my channel Meraki YouTube. Today we shall continue with administrative management theory. ये theory हमने कुछ lectures पहले already start की हुई है. So before starting, we shall revise what we have done till now. So we begin with administrative management theory, general introduction and main features. Then we studied the contributions of Henry Fayol, Luther Gulick, Lindahl Urwick. And today we shall continue with Mooney and Riley, right? And after discussing the contribution of Mooney and Riley, we shall discuss the criticism of administrative management theory as well as the significance of administrative management theory in today's lecture itself. So let's begin. Now here are a few facts about Mooney and Riley. I am not sure whether it is pronounced as Riley or Riley. Some pronounce it as Riley, some pronounce it as Riley. I'll be calling it as Riley, right? One more thing that her book में ये जो इनकी contribution है, it's not given. तो जहाँ से मुझे जितनी information मिली, मैंने कोशिश की है कि maximum information जो है वो मैं आपको provide कर सकूँ, right? So let's begin. Now, James Mooney and Ellen Riley were the first in USA to formulate the classical theory. USA के अंदर सबसे पहले जो classical theory दी वो कौन थे? जेम्स मूनी एंड एलन रायले. इससे पहले भी कंट्रीब्यूशन तो हुई है. फॉर एग्जांपल हेनरी फेयल ने क्लासिकल थियोरी में कंट्रीब्यूशन की है, लूथर गुलिक ने की है, लिंडॉल उर्विक ने की है. लेकिन हेनरी फेयल कहाँ के थे? फ्रांस के थे. हालांकि जो गुलिक थे वो यूएसए के थे, पर उन्होंने कब दी? बाद में दी. तो सबसे पहले किसने दी? जेम्स मूनी एंड एलन रायले वर द फर्स्ट इन यूएसए टू फॉर्मुलेट द क्लासिकल थियोरी. इन दोनों ने मिलकर 1931 के अंदर बुक दी which was called Onward Industry. तो directly कभी कभी net के paper में question आ जाता है match the following में, जिसमें books को author के साथ match करना होता है. So you must remember 1931 में publish हुई Onward Industry. Then in 1939 the Principles of Organization, ये book publish की गई. Now you have to note that ये जो Principles of Organization थी, ये same book थी Onward Industry, but इसका सिर्फ title बदल दिया था. मतलब Onward Industry का new title था Principles of Organization और इसको republish किया गया 1939 के अंदर, right? और साथ ही साथ इन दोनों ने popularize किया किसका use? The use of organization charts and manuals. Organization में charts और manuals जो होते हैं ताकि systematic तरीके से काम हो सके, efficient तरीके से काम हो सके, इस इन techniques को भी Mooney and Riley ने काफ़ी ज़्यादा popularize कर दिया, right? Now इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है हमें क्लासिकल थ्योरी में वो है फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? चार प्रिंसिपल्स है सिर्फ और यही हमें कवर करने हैं. नाउ दीज प्रिंसिपल्स आर ए प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, बी स्केलर प्रोसेस, सी फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड डी लाइन एंड स्टार. अब इनको हम एक एक करके देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स में इन्होंने क्या कहा. नाउ फर्स्ट कम्स कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन पे खास जो मतलब कंट्रीब्यूशन है इन दोनों में से वो है मूनी की, ठीक है? सारा कुछ जो इन्होंने कहा है मूनी ने कहा है कोऑर्डिनेशन के ऊपर. तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन दी मूनी ने. उन्होंने क्या कहा? द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस. इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने बोल्ड कर दी हैं, ऑर्डरली अरेंजमेंट, ग्रुप एफर्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कॉमन पर्पस. तो मूनी ने क्या कहा? कोई भी अगर ग्रुप है, चाहे वो दो लोगों का हो या दो से ज़्यादा लोगों का हो, उनके एफर्ट्स जो हैं, वो जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको अगर हम एक ऑर्डर में अरेंज कर दें, एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर दें, ताकि उनके एफर्ट्स को एक यूनिटी मिल सके. अगर ए बी सी हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनका अगर हम एफर्ट को अरेंज करके एक ही डायरेक्शन में कर दें, ताकि जो भी उनका कॉमन पर्पस है वो अचीव हो सके, जो इनका कॉमन गोल है वो अचीव हो सके, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. उस उन एफर्ट्स को ऑर्डरली अरेंज करने का जो हमारा एक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. तो ये डेफिनेशन दी हमें मूनी ने. आगे उन्होंने क्या कहा? कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड्स विद इन इटसेल्फ ऑल अदर प्रिंसिपल्स विच आर सबॉर्डिनेट टू इट एंड थ्रू विच इट ऑपरेट्स. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इट वाज जेम्स मूनी, राइट? तो बेसिकली इन्होंने सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस दिया वो किस पे दिया? कोऑर्डिनेशन पे दिया, और कहा कि ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसका पहला प्रिंसिपल क्या है?
कोऑर्डिनेशन है, और इसी के अंदर बाकी सारे प्रिंसिपल्स अपने आप ही आ जाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन इज नो लेस देन द डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द फॉर्म विच कंटेन्स ऑल अदर प्रिंसिपल्स, द बिगनिंग एंड एंड द एंड ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। कहने का मतलब यही है कि सबसे जो ध्यान इन्होंने दिया वो किस पे दिया, कोऑर्डिनेशन पे। यहीं से ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, यहीं से ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती है, और ये हमारा पहला प्रिंसिपल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इस पे फोकस किसने किया, जेम्स मूनी ने, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रिंसिपल। नाउ द सेकंड प्रिंसिपल इज स्केलर प्रोसेस। स्केलर प्रोसेस क्या है, जो हमारी नॉर्मल हायरार्की होती है आप सभी को पता ही होगा, हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ए बी सी जो भी हायरार्की है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को इन्होंने क्या कहा, स्केलर प्रोसेस। स्केलर वर्ड किससे आया है, स्केल से, स्केल से, राइट, विच मीन्स ग्रेडिंग ऑफ लेवल्स, ठीक है, एक के ऊपर एक जो लेवल्स होते हैं दैट इज स्केल। तो स्केलर प्रोसेस नाम इन्होंने मूनी एंड रायले ने यूज किया। इन्होंने क्या कहा, इट मतलब स्केलर प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट्स द यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू विच द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑपरेट्स थ्रू आउट द होल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक हायरार्की जो है इसी से जो अथॉरिटी है वो कोऑर्डिनेट कर पाती है। अगर एक हायरार्की नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाएगा। इसके साथ इन्होंने क्या कहा, दैट द स्केलर प्रोसेस यानी कि हायरार्की हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल प्रोसेस एंड इफेक्ट। हायरार्की का ही, स्केलर प्रोसेस का ही अपना ही एक प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रोसेस और एक इफेक्ट होता है। दीज दे रेफर टू एज लीडरशिप, डेलीगेशन एंड फंक्शनल डेफिनेशन। कहने का मतलब हायरार्की का प्रिंसिपल क्या है, लीडरशिप, प्रोसेस क्या है, डेलीगेशन, एंड इफेक्ट क्या है, फंक्शनल डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई अगर हायरार्की है तो इस पर टॉप पे कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, वो अपनी लीडरशिप को काम में लाने के लिए क्या करेगी, एक प्रोसेस करेगी। वो प्रोसेस क्या होगा, डेलीगेशन, अपनी लीडरशिप को चलाने के लिए वो काम को डेलीगेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने यहाँ पे बी को दिया, सी को दिया, सी ने आगे किसी और को दिया, इन्होंने आगे को दिया, तो ये सारा काम तो खुद कर नहीं सकती लीडरशिप, तो वो आगे डेलीगेट करेंगे। और वो डेलीगेट किस बेसिस पे करेंगे, डेलीगेशन के कारण क्या होगा, फंक्शनल डेफिनेशन होगा, तो ये क्या होगा, इफेक्ट। तो इन्होंने क्या कहा, दैट स्केलर प्रोसेस जो है, हायरार्की जो है, उसका खुद का प्रिंसिपल होता है विच इज़ लीडरशिप, प्रोसेस होता है विच इज़ डेलीगेशन, एंड इफेक्ट होता है विच इज़ फंक्शनल डेफिनेशन, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, अच्छा बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, ये कुछ टर्म्स हैं जो हायरार्की के लिए यूज की गई अलग अलग थिंकर्स ने। हमने फियल को पढ़ा, फियल ने कौन सी टर्म यूज करी, इट वॉज स्केलर चेन और लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर चेन और लाइन ऑफ अथॉरिटी। गुलिक ने एसच जो उनके 10 प्रिंसिपल्स थे उसमें हायरार्की नहीं था, हायरार्की टर्म हुई बट कहाँ पे हुई, कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की, मतलब डायरेक्टली हायरार्की नहीं था बट ही यूज द वर्ड कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की। उसके बाद हमने उर्विक पढ़ा, उन्होंने क्या यूज किया, स्केलर प्रिंसिपल, एंड नाउ वी आर स्टडिंग मूनी एंड रायले, उन्होंने क्या यूज किया है, स्केलर प्रोसेस। तो वी कैन सी फेयल, उर्विक एंड मूनी एंड रायले ने जो वो टर्म्स यूज की हैं उसमें कॉमन है स्केलर, स्केलर तो है ही है, ठीक है। फेयल ने चेन यूज किया, उर्विक ने प्रिंसिपल यूज किया, मूनी एंड रायले ने प्रोसेस यूज किया। तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आ जाए या पूछ लें कि किसने किसको क्या कहा, सो वी मस्ट नो दिस, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। व्हाट डज इट से, फंक्शनल प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स। जब हमें टास्क को डिवाइड करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें फंक्शनल प्रिंसिपल यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा व्हेन वी स्टडीड गुलिक, तो हमने किया था बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, राइट, जिसके अंदर हमने स्टडी किए थे क्या, 4 P's। 4 P's कौन कौन से थे, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, ठीक है। कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम को डिवाइड करना है तो हम 4 P फॉलो कर सकते हैं। तो उनमें से जो पर्पस था, जो फंक्शन था, वो एडवोकेट करते हैं मूनी एंड रायले कि अगर हमें काम को डिवाइड करना है तो वी शुड फॉलो फंक्शन, राइट। फंक्शनलिज्म इज डिफरेंशिएशन बिटवीन काइंड्स ऑफ ड्यूटीज। अब इसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, इन्होंने क्या कहा समझाने के लिए,
द डिफरेंस बिटवीन जनरल्स एंड कर्नल्स इज वन ऑफ ग्रेडेशन इन अथॉरिटी. हमें पता है कि जो आर्मी होती है उसके अंदर अलग अलग रैंक्स होती हैं, जिसमें से क्या रैंक है, एक जनरल भी रैंक है और एक कर्नल भी हमारी रैंक है. ये काम एक ही कर रही हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अथॉरिटी का फर्क है, इनकी रैंक्स का फर्क है, राइट, एंड इज देयरफॉर स्केलर. तो जो डिफरेंस है वो हायरार्की का फर्क है, इसलिए डिफरेंस को हम कह सकते हैं स्केलर डिफरेंस है, हायरार्कीकल जो है डिफरेंस है. द डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिसर ऑफ एन इन्फेंट्री एंड एन ऑफिसर ऑफ द आर्टिलरी हाउएवर इज फंक्शनल. नाउ व्हाट इज इन्फेंट्री? इन्फेंट्री होती है सोल्जर्स हु वॉक ऑन फुट, जो सोल्जर्स जो पैदल चलकर जो लड़ाई करते हैं वो. एंड ऑफिसर ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी कौन से होते हैं, जो सारी जो गोला बारूद का काम करते हैं वो वाले ऑफिसर्स. तो ऑब्वियसली अब इनके जो काम होंगे वो अलग अलग होंगे. जो सोल्जर्स जिन्होंने चल के लड़ाई करनी है उनका काम अलग है, और जिन्होंने गोला बारूद को डील करना है उनका काम थोड़ा सा अलग है, उनके लिए स्किल्स कुछ अलग चाहिए होंगे. तो ये जो डिफरेंस है दिस इज फंक्शनल डिफरेंस, ठीक है, बिकॉज देयर इज डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन द नेचर ऑफ देयर ड्यूटीज. जो द डिफरेंशिएशन है वो स्केलर भी हो सकती है, जैसे हमने देखा जनरल और कर्नल के बीच में, और वो फंक्शनल भी हो सकती है, जैसे कि हमने देखा इन्फेंट्री और आर्टिलरी के बीच में. मूनिया एंड राइली ने किसको सपोर्ट किया? फंक्शनल डिफरेंशिएशन को, राइट. नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज लाइन एंड स्टाफ. नाउ व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ? अब हम इसको डिफेंस का एग्जांपल लेके ही समझ लेते हैं, जैसे अभी हमने किया. अब डिफेंस में क्या होता है, जो पर्सनल आगे जाके लड़ते हैं, मेन काम क्या है डिफेंस का, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है. तो जो ऑफिसर जो हैं, जो सोल्जर्स जो हैं, जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं कंट्री की प्रोटेक्शन का, वो हो गया लाइन एजेंट्स, राइट. जो डायरेक्ट जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का काम कर रहे हैं. डिफेंस का काम क्या है, देश को बचा के रखना, सिक्योर रखना. तो जो ऑफिशियल्स डायरेक्टली देश को बचाने का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट जो वॉर फ्रंट पे जाते हैं, वो कौन से हो गए, लाइन ऑफिशियल्स. पर अब जो डिफेंस है उनको वहाँ पे रहने के लिए और फैसिलिटीज़ भी चाहिए. फॉर एग्जांपल दे नीड मेडिकल फैसिलिटीज़ और कैंटीन फैसिलिटीज़. तो वो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर द स्टाफ ऑफिशियल्स, मतलब लाइन जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो उनके काम में सपोर्ट करता है, दोज आर द स्टाफ ऑफिशियल्स, राइट. तो डायरेक्ट गोल कौन अचीव कर रहा है, लाइन ऑफिशियल्स. उनकी हेल्प कौन कर रहा है, स्टाफ एजेंसीज और स्टाफ ऑफिशियल्स. अब मूनियन रैले ने क्या कहा, लाइन मैनेजमेंट शुड बी वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू गेट थिंग्स डन. इनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपना काम करवा सकें. साथ ही साथ दे रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ स्टाफ इन प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन. उन्होंने, हालांकि उन्होंने कहा कि मेन पावर लाइन मैनेजमेंट के पास होती है, बट उन्होंने स्टाफ को इग्नोर नहीं कहा, उनका भी रोल को माना कि वो एडवाइस और इंफॉर्मेशन देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसके ऊपर मूनी की एक फेमस स्टेटमेंट है, विच इज द स्टाफ इज एन एक्सपेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जो है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है काम को, उसी की पर्सनैलिटी की एक्सपेंशन है स्टाफ. जैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी वैसे ही उसका स्टाफ होगा. इट मीन्स मोर आइज, मोर ईयर्स एंड मोर हैंड्स टू एड हिम इन फॉर्मिंग एंड कैरिंग आउट हिज प्लान्स, ठीक है. तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नेट के पेपर में भी आ जाता है कि स्टेटमेंट किसने कही. द आंसर इज जेम्स मूनी. Now this is all with the contribution of Mooney and Rayleigh. Now next we shall study the criticism of administrative management theory. इसको किस किस बात पे criticize किया गया, right? Now the first is that it neglected human dimension of organization. हमें पता ही है इसने सारा focus किस पे किया, principles के ऊपर किया, ठीक है, पैसे के ऊपर किया. इन्होंने humans को ज़्यादा consider ही नहीं किया, उनका social perspective को, psychological perspective को उन्होंने बिल्कुल consider नहीं किया. तो वॉरेन बेनिस थे, उन्होंने क्या कहा, दैट द फोकस ऑफ क्लासिकल थियोरी इज ऑन ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट पीपल, ठीक है. ऐसे ही मार्टिन साइमन ने कहा कि क्लासिकल थियोरी मशीन मॉडल है. तो समटाइम्स क्वेश्चंस कम डायरेक्टली कि इस थियोरी को ऐसे किसने क्रिटिसाइज किया. फॉर एग्जांपल हु कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्लासिकल थियोरी एज ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट पीपल. द आंसर वुड बी वॉरेन बेनिस, राइट. सेकेंड क्रिटिसिज्म क्या आती है, इट लैग्ड स्पेसिफिसिटी. उसमें स्पेसिफिक नहीं थी, वो बहुत जनरल बातें कर रही थी. कैसे? फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को हमें बांटना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ये तो हमें समझ आ गया काम को बांटना चाहिए, पर ये नहीं बताया गया कि काम को एक्चुअल में बांटे कैसे.
ठीक है, तो प्रैक्टिकली उसको कैसे हमने अडॉप्ट करना है ये हमें क्लासिकल थ्योरी या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में नहीं बताया गया। थर्ड कम्स हर्बर्ट साइमन, ये बहुत फेमस क्रिटिसिज्म है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। हर्बर्ट साइमन डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज मेयर प्रोवर्ब्स। मेयर प्रोवर्ब्स मतलब खाली कहावतें हैं, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, दे आर मेयर प्रोवर्ब्स एज दे आर नॉट साइंटिफिकली वैलिड एंड लैक यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब वो साइंटिफिकली वैलिड कैसे नहीं थे? साइंटिफिक चीज़ वो होती है जो टेस्ट करी जाए और जो उसका टेस्ट हो वो बार बार सेम कंडीशंस के अंदर हो, सेम कंडीशंस के अंदर हो। लेकिन जो हमारी ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी थी ये ऐसे बार बार टेस्टेड नहीं थी, और अगर टेस्टेड थी भी तो उसकी कंडीशंस सेम नहीं रखी गई, तो इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये एक्चुअल में साइंटिफिक थ्योरी है ही नहीं, ठीक है। और हर्बर्ट साइमन को कहा एज मेयर प्रोवर्ब्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फोर्थ क्रिटिसिज्म क्या आती है? द क्लासिकल थ्योरी ओवर सिंप्लीफाइड ह्यूमन मोटिवेशन बाय अज्यूमिंग ईच वर्कर टू बी एन इकोनॉमिक मैन हु इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग हिज इनकम। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, साइंटिफिक थ्योरी भी और यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है कि उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट या ओवर सिंप्लीफाई कर लिया ह्यूमन मोटिवेशन, कि एक इंसान जो है वो खाली पैसे से ही मोटिवेट होता है और उसको बस एक ही काम है क्या कि वो अपनी इनकम कैसे मैक्सिमाइज करे, और कुछ उसके लिए कोई मायने मोटिवेशन उसको प्रेज कोई उसके लिए जो है अप्रिसिएशन मायने रखती ही नहीं। फिफ्थ क्या है? इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब क्या है कि वो ये बताती है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना तो चाहिए लेकिन एक्चुअल में है क्या उस पर फोकस नहीं करती, ठीक है। तो इट्स कंसर्न विथ व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल प्रेजेंटली है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। सिक्स्थ इज इट वॉज क्रिटिसाइज्ड एज मैकेनिस्टिक बिकॉज इट इज़ मोर कंसर्न्ड विद द वर्क रादर देन द वर्कर। ये वही मतलब है कि इंसान पे ध्यान न देकर आपने खाली उसके काम पे ध्यान दिया है, ह्यूमन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमने पहले भी किया है, दैट गुलिक्स बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन जो फोर पीस थे वो क्रिटिसाइज किए गए। किसने किया? साइमन ने क्रिटिसाइज किया एज एम्बिग्यूस। क्यों? क्योंकि गुलिक ने कहा था कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इनमें से एक ही पी के ऊपर बेस हो सकती है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या तो वो खाली प्रोसेस पर बेस्ड होगी या पर्पस बेस्ड होगी या प्लेस बेस्ड होगी या फिर पर्सन बेस्ड होगी, पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अब एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि ये पर्पस बेस्ड भी है, क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, साथ ही हम कह सकते हैं ये पर्सन बेस्ड भी है, क्यों? एजुकेशन किसको दे रहे हैं हम? स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, चिल्ड्रन को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पी पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ उसकी डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, राइट? तो जो गुलिक का ये जो थे फोर पीज की डिपार्टमेंटलाइजेशन की बेसिस, इसको भी क्रिटिसाइज किया साइमन ने। तो ये थी क्रिटिसिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी, राइट? अब ये तो हो गई क्रिटिसिज्म, अब हम थोड़े से सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, कुछ ना कुछ तो उसका अच्छा भी होगा, राइट? तो इसमें अच्छी बातें क्या थी कि इट डेवलप्ड द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को एज एन आर्ट लेके चल रहे थे, सारा कुछ अनऑर्गेनाइज था, रूल ऑफ थंब वॉज टेकिंग प्लेस, सब ठीक है, कुछ सिस्टमेटिक था ही नहीं। तो उसको साइंस की तरह ऑर्गेनाइज किसने किया? क्लासिकल थियोरी ने या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियोरी ने। सेकेंड इज कंसिडरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट एक्टिविटी। इस पे एक अलग से कि एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से एक्टिविटी है, इस पे अलग से ध्यान दिया जाए और उसमें अलग से रिसर्च की जाए, ये काम किसने किया? हमारे क्लासिकल थियोरिस्ट ने किया। थर्ड इज इम्पॉर्टेंट रोल इन रैशनलाइजिंग एंड स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन। चाहे इन्होंने ह्यूमंस को एक बार इग्नोर किया हो, बट एक बार के लिए हमारी प्रोडक्शन तो स्टिमुलेट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया था प्रोडक्शन के अंदर, राइट? एंड फोर्थ इज द क्लासिकल प्रिंसिपल्स आर स्टिल फाउंड यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। आप अगर आज भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखें तो आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें वर्क में दिख जाएंगे, हायरार्की आपको दिख जाएगा, डिविजन ऑफ वर्क दिख जाएगा, राइट? तो ये सारे प्रिंसिपल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना हो तो आज भी ये प्रिंसिपल्स वैल्यू रखते हैं, दे आर स्टिल यूजफुल। और साथ ही साथ जो अगर हम एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो उसमें इस
इस थ्योरी का, इन प्रिंसिपल्स का बहुत ज़्यादा रोल है. क्यों? क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल्स ना होते तो इनकी क्रिटिसिज्म ना होती, तो और इसके बाद की थ्योरी जो है वो बिल्ड ना होती. फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आई, बिहेवियरल अप्रोच आई, वो आती ही ना अगर ये प्रिंसिपल्स ना आए होते. ठीक है, तो ये एक बहुत सॉलिड बेस बनाते हैं, एक बहुत सॉलिड, एक माइलस्टोन है कि इसमें एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. मुझे पता लगता है कि आपको समझ आ रहा है, राइट? एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. इफ यू आर न्यू टू अर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एज सून एज अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल कंटिन्यू विद मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी. टिल देन स्टे ट्यून्ड.